तुर्की ने ऐलान कर दिया कि उसने अपने देश में एक ऐसा ऑयल रिजर्व खोज लिया है जिससे हर दिन 1,00,000 बैरल कच्चा तेल निकाला जा सकेगा, जिसे बेचकर वो रोजाना हजारों करोड़ रुपए कमा सकेगा। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने एक कार्यक्रम के दौरान ऐलान किया कि उनके देश में मिला नया ऑयल रिजर्व एक दिन में 1,00,000 बैरल कच्चे तेल की सप्लाई कर सकेगा। Which has a potential volume, a capacity of 100,000 barrels daily. जिसके बाद तुर्की को कच्चे तेल का आयात नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उसके पास इतना तेल होगा कि वो उसे कई देशों को बेच भी सकेगा। और एर्दोगान के खुद के देश में जो ऊर्जा संकट सिर उठा रहा था, उससे भी निपटना आसान हो जाएगा। एर्दोगान तो इसे तुर्की के लिए वो चाबी बता रहे हैं जो आने वाले वक्त में उसकी किस्मत के दरवाजे खोल देगी और उसे इतना अमीर बना सकती है जितना किसी ने सोचा तक नहीं होगा। एर्दोगान के मुताबिक अकेले इस ऑयल रिजर्व की मदद से तुर्की के 10% ऊर्जा संकट को हल किया जा सकेगा। इसके अलावा रूस की मदद से उसने जो नया परमाणु संयंत्र अपने यहाँ लगाया है, वो भी उसकी इस मुश्किल को काफी कम कर देगा। मतलब जो तुर्की अब तक तेल आयात करने के लिए मजबूर था, वो अब दूसरे देशों को तेल बेचने के काबिल हो जाएगा। इस दौरान एर्दोगान ने इस बात का ऐलान भी किया कि वो जल्द ही अपने देश में एक और परमाणु संयंत्र की शुरुआत करने वाले हैं, जो आने वाले वक्त में तुर्की की किस्मत बदल देगा। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बहुत जल्द तुर्की नेटो की सदस्यता छोड़ देगा। तुर्की के पूर्व सैन्य अधिकारी के बयान का हवाला देते हुए पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि तुर्की ज्यादा दिन तक नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य नहीं रहने वाला, क्योंकि बीते कुछ महीनों में नेटो और तुर्की के बीच तनाव बढ़ गया। पहले रूस यूक्रेन युद्ध के मसले पर दोनों के बीच टकराव की स्थिति बन गई, और उसके बाद फिनलैंड और स्वीडन को नेटो की सदस्यता दिए जाने के मुद्दे पर दोनों के बीच तनातनी बढ़ गई, जिसके बाद वहां की सेना के एक रिटायर्ड एडमिरल ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि तुर्की और नेटो के बीच मतभेद की खाई गहरी हो चुकी है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि तुर्की को अब नेटो के साथ रहने की जरूरत नहीं है। तुर्की ने अपनी नाराजगी का ट्रेलर फिनलैंड को नेटो की सदस्यता दिए जाने के वक्त ही दिखा दिया था, और उसने फिनलैंड पर आतंकवादियों का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए उसे नेटो की सदस्यता दिए जाने पर असहमति जता दी थी। तुर्की के अड़ंगा डालने की वजह से ही फिनलैंड को नेटो में शामिल करने में देर हो गई, क्योंकि तुर्की का आरोप था कि स्वीडन और फिनलैंड दोनों मिलकर तुर्की के विरोधी आतंकवादियों को खुला समर्थन देते रहे हैं। उसका इशारा कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की ओर था, जो तुर्की से अलग देश की मांग करती है। कुर्द लड़ाके ज्यादातर दक्षिण पूर्वी तुर्की, उत्तर पूर्वी सीरिया, उत्तरी इराक, उत्तर पश्चिमी ईरान और दक्षिण पश्चिमी आर्मेनिया के पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, और तुर्की के शहरों में आए दिन आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देकर छिप जाते हैं। लेकिन मांग के बावजूद नेटो देशों ने इन कुर्द लड़ाकों पर कभी भी कोई गंभीरता नहीं दिखाई। हालांकि बाद में तुर्की ने फिनलैंड को नेटो में शामिल किए जाने के फैसले पर मोहर लगा दी, लेकिन कुर्द लड़ाकों पर नेटो देशों के दोहरे रवैये से वो नाराज दिखा, और इसी नाराजगी को उसके नेटो से अलग होने का बड़ा कारण माना जा रहा है। तुर्की 1952 से ही नेटो का सदस्य है। अमेरिका और पश्चिमी देशों को तुर्की की तब दरकार थी जब वो शीत युद्ध में फंसे थे। तब तुर्की की रूस से नजदीकी को देखते हुए उसे नेटो में शामिल करना जरूरी समझा गया, क्योंकि उस वक्त रूस से टक्कर लेने के लिए तुर्की का साथ जरूरी था। लेकिन बदलते वक्त के साथ नेटो से तुर्की के रिश्ते बदलते गए,